Aslamu Alaikum, I am Faryal Kewal and the topic of my presentation is drug-induced vascular disease. Introduction. Vascular disease is defined as any abnormal condition of the blood vessels, that is, arteries and veins. Yani vascular system mein, agar kisi kisimikisem ki abnormality hotiye. तो हम उस कंडीशन को वस्कुलर डिजीज़ कहेंगे अब वस्कुलर डिजीज़ हार्ट के बाहर किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो सकती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन वस्कुलर डिजीज़ हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रोक पेरिफ़ेरल आर्टरी डिजीज़ एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म केरोटेड आर्टरी डिज़ीज़ आर्टीडियोवीनस मेल फॉर्मेशन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्रोनिक वीनस इनसफिशेंसी एंड वेरिकोस वेन्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो वस्कुलर डिजीज कॉज करते हैं इसमें हमारे पास तीन क्लासेस यहाँ पर दी हैं कोकेन ओपिओइड ड्रग्स और सीएनएस एन लेकिन कोकेन बाकी तमाम ड्रग्स के निस्बत ज़्यादा सीरियस फंक्शनल एम्पेयरमेंट और वस्कुलर डिजीज़ कॉज करता है इसलिए हमारी आगे सारी डिस्कशन कोकेन पर ही होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोकेन कोकेन डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू वस्कुलर डिजीज़ कॉज करता है इसमें जो सबसे पहला मैकेनिज्म है उसमें कोकिन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंडोथेलिन वन अ वेजो कंस्ट्रक्टर फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स एंड इनहेबिट्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन द प्रिंसिपल वेजो प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस एंडोथेलियल सेल्स यानी कोकिन क्या करता है कि ये एंडोथेलियल सेल्स से एंडोथेलिन वन के रिलीज को बढ़ा देता है जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम कर देता है अब एंडोथेलिन वन एक वेजो है जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजो डायलीटर है तो जब एक वेजो कंस्ट्रिक्टर की अमाउंट या रिलीज इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वेजल्स में वेजो होगी सेकेंड मैकेनिज्म में वो कहते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन में जब एंडोथीलियन डैमेज होगा तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी प्लेटलेट अल्फा ग्रेन्यूल रिलीज इंक्रीज होगा प्लाजमिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और फिब्रीनोबिनजिन भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे या थ्रोम्बोसिस हो जाएगी अब वेजल्स में ब्लड क्लॉट बन गए हैं जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया है कम ब्लड फ्लो होने की वजह से ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे अब अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में कोकेन के एक्यूट और क्रोनिक दोनों इफेक्ट्स बताए हुए हैं सबसे पहले ऊपर हमारे पास दो एक्यूट इफेक्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि पिछली स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ के कोकिन एंडोथीलिन वन के रिलीज को बढ़ाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगी और वेजो कंस्ट्रक्शन होगी दूसरा हमने देखा कि एंडोथेलियल डैमेज के, के केस में फिब्रिनोजिन बढ़ जाएगा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड का फ्लो कम होगा और ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम नीचे देखें लेफ़्ट साइड पर तो यहाँ पर कोकीन का इफेक्ट बताया हुआ है लो डोज पर और हाई डोज पर लो डोज पर अगर हम देखें तो कोकीन जो है ये सिम्पथैटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है अब कोकीन क्या करता है कि ये कैटिकोलामीन्स के री अपटेक को ब्लॉक कर देता है इन द प्री साइनेटिकटिक न्यूरोन्स इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसकी वजह से कैटिकोला मीनस की अमाउंट बढ़ जाती है और सिंपथेटिक आउटपुट जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है जिसके एंड रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से इसकीमिक कंडीशन होगी और इन्फॉक्शन हो जाएगी लेकिन अगर हम हाई डोज पर देखें तो कोकैन जो है ये एक्ट करता है क्लास वन एंटी एरिदमिक ड्रग्स की तरह यानी ये क्या करता है कि ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली एरिद्मोजैनिक कंडीशन जो है वो राइज़ हो जाती है नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें लैब फाइंडिंग्स बताई हुई हैं यानी ऐसे पेशेंट्स जो कि कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लैब फाइंडिंग्स क्या कहती हैं कोकीन का इस्तेमाल करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें इम्यून सिस्टम इन्फ्लमेट्री स्टेट एलिवेट हुई होती है यानी कि इसमें क्या होगा के बेजल एंटी इन्फ्लेमेट्री मार्कर्स यानी कि इंटरल्यूकिन टेन ये डिक्रीज हुआ हुआ होगा जबकि प्रो इन्फ्लेमेट्री साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर एल्फा इंटरल्यूकिन वन बीटा ये इंक्रीज हुए होंगे रिस्क फैक्टर्स यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए साथ में कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि कोकीन का इस्तेमाल कर रहा है वो साथ में बीटा ब्लॉकर नहीं ले सकता क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो हैं ये स्वीर हाइपर टेंशन कॉज कर देंगे और क्रोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देंगे इसी तरह कोकीन का इस्तेमाल करने वाला पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग ना करे क्योंकि इससे एडिटिव इफेक्ट आएगा और क्रोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी उसके बाद वाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ कोकेन कोकेन के इस्तेमाल से जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं उसमें सबसे पहले है हार्ट अटैक स्ट्रोक सीयर और रेस्पिरेटरी फेलियर साइड इफेक्ट्स अगर हम देखें तो इसमें है लॉस ऑफ एपीटाइट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि के कैटिकोलामीन का जब री अपटेक ब्लॉक करता है कोकेन तो सिंपथेटिक आउटपुट स्टिमुलेट हो जाता है जिसके रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसी तरह ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ब्रीथिंग का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है हाइपर स्टिमुलेशन होती है हेलोसिनेशन हो जाएगी पेशेंट जो है वो इंटेंस यूफोरिक या फिर डिप्रेस स्टेट में रहेगा लास्ट में हमारे पास है ट्रीटमेंट अब सबसे पहले ऐसा पेशेंट जिसमें में डैमेज है उस डैमेज को कम करने के लिए या तो आप कोकेन की डोज़ को कम करवा दें या कोकेन जो है उसके यूज़ को ख़त्म कर दें इसके अलावा अगर उस पेशेंट को बेंजो एडमिनिस्टर की जाएं तो वो हार्ट के ऊपर होने वाला जो स्ट्रेस है उसको कम कर देता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो है इसका रिस्क भी कम हो जाएगा अब हमने देखा था कि कोकेन जो है उसकी वजह से इन्फ्लेट्री रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा था तो उसके लिए भी हम मेडिकेशंस जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे फॉर एग्जांपल रिकम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 10 कैन टेन सोलेबल रिसेप्टर मेडिकेशंस एक्सेट्रा उसके बाद अगर कोकेन इंड्यूस सोडियम चैनल ब्लॉकेड है तो उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें हम अल्कलाइजेशन करवाते हैं हाइपरटोनिक सोडियम बाइकार्बोनेट से क्लास वन ए ड्रग्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो कार्डियोस्कुलर सिस्टम को डिप्रेस कर देंगे क्लास वन बी एंटीरिदमिक एजेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा जो विजोडाइलीटर्स हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऐसे पेशेंट में जो कि uh, जिसमें कोकेन की वजह से वस्कुलर डिजीज़ कॉज हुई हो दीज आर माई रेफरेंसेस थैंक यू यूकुम मैंने में सतीजा अमजे एंड द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ ड्रग रीनल नेफ्राइटिस रीना नेफ्राइटस इट इज सिम्पली टर्म डेस्ट नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज एंड मे इन्वॉल्व द ग्लोमेरो टिब्यूल्स और इंटस्टिशल टिश्य सराउंडिंग द ग्लोमेरो एंड टिब्यूल्स इन नेफ्राइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन है सिम्पली ये किडनी की और ये इन्वॉल्व करती है अपने अंदर ग्लोमेरो को टिब्यूल्स को और इंटस्टिशल टिश्यूज़ को जो कि सराउंड करते हैं ग्लोमेरो और टीब्यूल्स को इसकी दो टाइप्स हैं ग्लोमेरोला नेफराइट और इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस ग्लोमेरोना जो है वो इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरोलाई की -like. अगर हम इसको स्पेसिफिक नेफ्राइटिस को ग्लोमेरोना नेफ्राइटस भी कह सकते हैं विदाउट स्पेसिफिक इंडिकेशन के ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ ग्लोमेरोलाई की -like ही होगी इंटस्टिशल नेफ्राइटिस को हम टिब्यूलो इंटस्टिशल नेफ्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन है ऑफ द स्पेस बिटवीन द रिन टिब्यूल्स अगर हम डिस्कस करेंगे इंटस्टिशल नेफ्राइटिस को अब एटलॉजी क्या है टू तो बिलो इंट लेफ्राइटस को ये दो तरह की होती है एक्यूट और क्रॉनिक जो कॉजेज़ हैं एक्यूट के उनमें आएगा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज एसोसिएटेड विद ल्यूपस और गुड पास्टर सिंड्रोम ल्यूपस क्या है कि इसमें जो बॉडी होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है और नॉर्मल बॉडी सबस्टांसिस को एज ए एंटीजन कंसीडर करती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देती है जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है ये रेयर होती है इसमें बेसमेंट में ब्रेंज होती है ग्लोमाइलोलाइक वो ठीक हो जाती है जिसकी वजह से ग्लोमायलो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है इसके अलावा एक्यू ट्रांसप्लांट रिएक्शन ये भी इसका एक कॉज uh, हो सकता है इन्फेक्शंस में आ जाएंगे बैक्टेरियल वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शंस अब जो कॉजेज हैं क्रॉनिक टिब्यूलो इंटिसशन नेफ्राइटिस के उनमें आ जाएगी ड्रग्स और हैवी मेटल्स अब ड्रग जो कि इंड्यूस करती हैं टिब्यूलो इंटस्टिशल नेफ्राइटिस उसमें आ जाएगी एंटीबायोटिक्स बीटा लक्टम्स सल्फोनामाइट्स मैक्रोलाइट्स फल फ्लोरोक्नॉल्स और एंटी ट्यूबरक्योलिन एंटी उसमें आएंगी एनसीड्स आएंगे गैस्ट्रो इंटस्टाइनर प्रोटोन पम्प इन्हीबिटर्स आ जाएंगे एंटीसीयर्स डायोराटिक कीमोथेरापिटिक और अदर्स एलोप्यूरिन चाइनीस इनमें हम निम्सोलाइट को कंसिडर करेंगे इंडियन नेफ्राइटिस पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जिसका जो एग्जैक्ट मैकेनिजम है ना एक्यूट इंटरस्टिशियन नेफ्राइटिस कॉर्क करने का एनसेट का वो अभी तक अन है लेकिन इसमें अभी तक अन है लेकिन इसमें कहा यह जाता है कि ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है किसकी वजह से जब इसका प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है खासतौर पर पे उन पेशेंट्स में जिनमें किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले से होता है जब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराएगी इसकी वजह से क्या होगा कि इंटस्टिशन इन्फिल्ट्रेट होगा किससे प्रीडोमिनेट टील्फोसाइड से ट्यूब्यूलो इंटे इंटरसिशन लैफ्राइटस क्या करेगी कि इ्यून मीडिएटिंग इन्फ्लेशन होगी इन्फ्लेमेटरी सेल्स की और साइटोकाइंस एक्सेट्रा uh, की साइटोकाइंस जो है एक तो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोड्यूस करेंगे यानी कि मैक्रोफेज लिफोसाइट इसके अलावा रीनल सेल्स भी ये प्रोड्यूस करेंगे जब साइटोकाइंस ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स ये से ये प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएंगे जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इनिशिएट होगा और किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसका आउटकम जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है एक्यूट इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस में क्या होगा कि टिब्यूलर डैमेज होगा और टिब्यूलर रीनल डिसफंक्शन हो जाएगा इसकी वजह से लेकिन सिवेरिटी uh, के बावजूद इसका एक ये फ़ायदा होता है कि जो एक्यूट होती है ना वो रिवर्सिबल होती है क्योंकि बेसमेंट एंड ब्रेन जो होती है ना ट्यूब्यूल्स की उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सके अपने आप को लेकिन इसके ऑपोजिट जो क्रॉनिक टिब्यूलर इंडस्टिशियल नेफ्राइटिस है इसको हम क्रेक्ट्राइज करेंगे इंटरसिशल स्कैनिंग से फिर से ट्रिब्यूल है से जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव क्रॉनिक रिनलशी हो सकती है एक तो निम्सोलाइड या एंसेर्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करवाते हैं उसी तरफ ये क्या करते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टांग को जो के इन्वॉल्व होते हैं रीनल फंक्शन में मेंटेनेंस करते हैं उसकी जिसकी वजह से नेफ्राइटस हो जाती है क्योंकि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो डिस्टरबेंस हो जाएगी सॉल और वाटर बैलेंस की क्योंकि ये जब ब्लड फ्लो को ज़्यादा करते हैं और जीएफआर को भी और स्क्रीशन और पोटेशियम को मेंटेन करते हैं इसकी डायग्नोसिस क्या है कि हम दो तरह से इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं एक तो नॉन इन्वेसिव पेशेंट्स हैं और एक इन्वेसिव पेशेंट्स एक नॉन इन्वेसिव मेथड है और एक इन्वेसिव मेथड है नॉन इन्वेसिव पेशेंट एवेल्यूशन में क्या होगा कि फ़िजिकल एग्जामिनेशन की जाएगी पेशेंट की ब्लड यूरिन टेस्टिंग की जाएगी इमेजिंग स्टडीज की जाएंगी फिजिकल एग्जामिशन में हम सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे जैसे फ्लैंक पेन कि फ्लैंक पेन जो होती है ये ब्रिप के नीचे से स्टार्ट होती है और अब से बैक साइड की तरफ जाती है इसके अलावा पेन विद यूरिनेशन एंड विजिबल ब्लड इन दूर हाइपर टेंशन का मेन फैक्टर है डायग्नोसिस में अब डेफिनेट वे जो है डायग्नोसिस का वो टिश्यू डायग्नोसिस है जो कि हम ऑप्टेन करते हैं किडनी बायोप्सी से पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन अगर इनकी की जाए तो ये रिवील करती है कि इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इन्फ्लमेटरी सेल्स की और ये रिजल्ट और इसके अलावा क्या होता है इसमें कि जो जनरली जो, जो ब्लड वेजर्स ग्लोम मेरोलाई होते हैं ना वो नेफ्राइटिस में अफेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके अलावा ये भी शो करती है कि इन, नेफ्राइटिस में माइक्रोबियल डैमेज हो जाता है एपिथेलियल सेल्स का वैक्ल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के वो डैमेज होते हैं और लार्ज एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है साइन एंड सिम्टम्स का क्या क्या फीवर इसका मोस्ट कॉमन है पार्टिकुलरलीज व ड्रग इंड्यूस नोजिया वामटिंग फटीक लैक ऑफ एपीटाइट एंड वेट लॉस रिस्क फैक्टर्स क्या है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज जैसे ऊपर बात की थी मैंने कि गुड पास्ट सिंड्रोम ये भी जेनेटिक होती है इसके अलावा अगर हिस्ट्री या किडनी डिजीज की तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर ये ड्रग यूज़ करने से उनमें इनफ्राइटस हो जाए हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ओबेसिटी हार्ट डिजीज़ एन ए जो सिक्सटी ईयर्स और मोर ट्रीटमेंट क्या है क्यू नेफ्राइटस जो है ये बाज़ुक विदाउट ट्रीटमेंट ये खुद बहुत ठीक हो जाती है और अगर नहीं भी होती तो इसमें ज़रूरत होती है मेडिकेशन की और स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एक्सेसिव फ्लूड को और डेंजरस प्रोटीन को रिमूव किया जाता है क्रॉनिक नेफ्राइटस में इसमें रेगुलर किडनी चेकअप किया जाता है ब्लड प्रेशर मोनीटरिंग की जाती है इसके अलावा डॉक्टर जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है वाटर पिल्स को यानी डायबिक्स को ताकि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और स्वेल्विंग को भी कम किया जा सके मेडिकेशन जो कि प्रिवेंट करती है इम्यून सिस्टम को फ्रॉम अवर अटैकिंग द किडनी कैन आल्सो भी बेनिफिशियल इन सम केसेस इसके अलावा जो एनस पेशेंट यूज़ कर रहा है कॉन्टीन्यूस उसको डॉक्टर्स तो जो होते हैं वो उसको डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं और ये आ, हेल्प होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक नेफ्राइटिस प्रिवेंशन क्या है कि लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस जो है वो रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस कर सकती है इसमें आ जाएगा कि हेल्दी वेट को मेंटेन करें क्विट करें स्मोकिंग को ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को मेंटेन रखें एक्सरसाइज करें रेगुलरली ईटिंग अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट कैन आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ रेफरेंसेज हैं इसके बेड्स के मेडिकल न्यूज़ सिक्स एडिशन फॉर ऑफ पैथोफिजोलॉजिकल अप्रोच थैंक यू अस्सलाम वालेकुम क्लास माय नेम इज शहरियार जैसे कि आपको पता है आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन बेसिकली हाइपोथरेडिजम के बारे में है और हम ये भी स्टडी करेंगे कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हाइपोथॉरेडिज़म इंड्यूस करवाती है और फिर साथ साथ हम इनका मैकेनिज़म पढ़ेंगे इनमें से एक ड्रग का और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में द ऑब्जेक्टिव्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली आर इंट्रोडक्शन ड्रग इंडियूज हाइपोथरिडिज़म काजिज साइन एंड सिम्टम एंड द लास्ट वन इज़ डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट्स जो कि हमने आज स्टडी करना है इसलिए सबसे पहले इनको स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथायरेडिज़म होता क्या है ठीक है उसकी थोड़ी सी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी इधर डिस्कस करूँगा देन हम अपनी जो सी ड्रग्स जो इंड्यूस करवाते हैं हाइपोथरेडिज़म उनकी तरफ मूव करेंगे सबसे पहले हाइपोथायरेडिज़म की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जोन से आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तु किस्म के ग्लैंड है ठीक है तो हाइपो का मतलब है कि हमारे पास जोन से थायरॉयड ग्लैंड उसमें क्या हो गया उसका फेलियर हो गया फेलियर क्यों हुआ है उस फेलियर से क्या होगा उस फेलियर से ये होगा बेसिकली कि हमारे पास थायरॉयड हार्मोन्स क्या हो जाएंगे वो उतनी कैपेसिटी में नहीं बनेंगे जितनी हमें रिक्वायर है जिसकी वजह से वो हमारी जो सी मेटाबोलिक नीड्स वगैरह है उनको भी वो क्या कर पाएंगे मीट नहीं कर पाएंगे जी जी मैं यही बता रहा था कि जिसकी वजह से क्या है हमारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती और हमें क्या है हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी टू वर्ड हाइपोथरेडिज़म मूव कर रही है हाइपोथरेडिज़म आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाइपो का हमें बेसिकली मतलब पता है कि हर चीज़ कम हो जाना ठीक है कि आपकी बॉडी का टम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसी तरह आपकी जोन सी है और किस्म और भी आपको इसकी वजह से जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी वगैरह हो जाएगी आपकी बॉडी में ठीक है और आपको फटीक वगैरह हो जाएगी वीकनेस होगी आपकी बॉडी पूरी तरह, तरह हेल्दी फील ना कर पाएगी इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है हाइपोथारेडिज़म अगर आपको हाइपोथायरेडिज़म अनट्रीटेड रहे तो उसकी वजह से ये कुछ कंडीशन से लिखी हुई है सबसे पहले हाइपरटेंशन हो सकती है इसी तरह आपको हमारे पास डिसलिपीडीमिया हो सकता है इसी तरह हमारे पास इनफर्टिलिटी हो सकती है और हमारे पास कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और लास्ट में न्यूरो मस्कुलर हो सकते हैं अगर हम क्या करें हाइपोथायरेडिज़म को ट्रीट ना कर पाए मैं ये कह सकता हूँ कि हमें ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास जो से थायरॉइड हारमोन्स है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका बेसिक रोल क्या है उनका बेसिक रोल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में है वो आपके बॉडी के जो से टम्परेचर को रेगुलेट करते हैं इसी तरह वो आपकी ग्रोथ में क्या हेल्प करते हैं मतलब ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से ठीक है अगर थायरॉयड हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी के ये जितने भी फंक्शंस जो मैंने आपको बताया है ये सब क्या है रेगुलेट नहीं हो पाएगी और बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी ठीक है ये ये जो बातें हैं ये स्लाइड्स में नहीं लिख सका मैं तो ये मैंने आपको ज़ुबानी ही बता दिया इसी तरह हम ये कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आया है कि हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट सिक्स परसेंट जो से पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक हैं उनको जो उन से थायरॉइड डिसफंक्शन ज़्यादा फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे पेशेंट जो कि कंट्रोल ग्रुप में है जैसे उनकी कंट्रोल ग्रुप की उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट निकाले है वो है फोर पॉइंट नाइन परसेंट इसी तरह इन्होंने बताया कि जो फीमेल्स हैं उनकी प्रेवलेंस रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास मेल डायबिटिक मेल्स ठीक है ये आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा तो आप प्लीज़ इसको गोन थ्रू कर ले इसको देख ले अब उसके बाद हम काजिस को देखते हैं कि काजिस कौन कौन से हमारे पास है। जो प्राइमरी गोल्ड या हमारे पास प्राइमरी ग्लैंड फेलियर है ना उसकी वजह से जो हमारे पास काजिस है वो ये है कि हमने ऐसी मेडिसन को यूज़ कर ली जैसे लिथियम है तो वो क्या कर कर देगी कि आपके थायराइड हार्मोन्स को या उनकी प्रोडक्शन को कम कर देगी जिसकी वजह से आपको हाइपोथायरेडिज़म हो सकता है इसी तरह हमारे पास अगर आपकी बॉडी को ऑटो इम्यून डिसफंक्शन हो गया जैसे ये हमारे पास डिजीज़ लिखी हुई है हाशिमोटो डिजीज़ उसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरेडिज़म हो सकता है इसी तरह आयोडीन की डेफिशिएंसी और इसी तरह कुछ ट्रीटमेंट्स जो हम हाइपर थायरेडिज़म में दे रहे हैं उनकी वजह से भी आपकी बॉडी को क्या है हाइपोथायरेडिज़म फेस करना पड़ सकता है जैसे ये कुछ मेडिसन्स वगैरह लिखी हुई है कारमिमाजोल ठीक है इसी तरह हमारे पास प्रोपाइल थो यूरासिल और लास्ट में हमारे पास रेडियोएक्टिव आयोडीन्स ठीक है ये जितनी भी मेडिकेशन है या ये जितनी भी डिजीज़ है या आपको इनकी वजह से हाइपोथैर क्या है फेस करना पड़ सकता है ठीक है तो मैं आपको इधर बेसिकली पहले ये बता दूँ कि हमारे पास जो से थायरॉयड ग्लैंड या थायरॉयड हार ग्लैंड से थायरॉयड हारमोनस कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसका बेसिक थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दूँ तो उसके लिए हमने पता है कि हमारे पास ब्रेन में हमारे पास एक और, और ये हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलामस हाइपोथैलमस से ना हमारे पास ब्रेन का वो रिलीज़ करता है एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं टी आर एच टी आर एच बेसिकली क्या है हमारे पास ट्रो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हारमोन वो क्या करता है वो एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पचूटरी ग्लैंड्स पे और उधर से वो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोनस को क्या करवाता है सिक्रीट्स करवाता है और ये जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोनस है ये देन एक्ट ऑन द थायरयड ग्लैंड्स एंड रिलीज टी थ्री एंड टी फोर ठीक है विच आर बेसिकली द थायरयड हारमोन्स एंड दीज आर द दारमोन विच रेगुलेट्स ओवर थायरॉयड फंक्शनस लाइक बॉडी मेटाबोलिजम रेगुल रेगूलेटिंग बॉडी टम्परेचर एंड डेट ग्रोथ डिवेलपमेंट्स ठीक है ये जो से टी थ्री एंड टी फोर हारमोनस हैं इनका बेसिकली फंक्शन ये है अब हम देखते हैं कि कुछ ड्रग्स जिनकी वजह से ये थायरॉयड डिसफंक्शन होती है जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया लीथियम उसी तरह हमारे पास हमने आयोडाइट भी पढ़ा उसी तरह कार्वी मजो मजोल भी पड़ा उसकी उसी तरह के मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोपाइल थूरासिल भी हमें क्या है ये हाइपोथरेडिज़म एंडियूज़ करवा सकता है ठीक है जो बेसिक ड्रग है जो जिसको आज हमने स्टडी करना है क्योंकि हमारा टॉपिक है ड्रग इंड्यूस हाइपोथायरेडिज़म तो जो ड्रग मैंने सेलेक्ट किया वो है लिथियम आपको पता है कि हमारे पास लिथियम जौन है इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं आपको ये भी पता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है कि कभी आपको खुशी होती है और कभी आपको गम हो जाता है मतलब ये डिप्रेशन की आप कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन की फॉर्म है कि कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें है और कभी आप क्या है आप नाराज़ वगैरह हो गए या कभी खुशी कभी गम ठीक है बेसिकली ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसमें हम लिथियम को यूज़ करते हैं तो लिथियम की वजह से हमें क्या है इसके यूज़ की वजह से हमें हाइपोथाइरडिज़म हो सकता है अब इसका मैकेनिज़म क्या है कि लीथियम क्या करेगा वो टी फोर इन्ज़ाइम जो सा हमारे पास हार्मोन है जो थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज़ होता है उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देगा डिक्रीज़ कर देगा ठीक है और ये ये भी कर सकता है कि टी हमारे पास फोर को क्या कर देगा उसकी डी करवा देगा इनटू टी थ्री ठीक है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि थायरॉइड हार्मोन्स की क्या है डेफिशिएंसी होगी और हमें हाइपोथायरेडिज़म फेस करना पड़ सकता है ठीक है मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ कि हमारे पास ना हाइपोथायरेडिज़म दो तरह का हो सकता है एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी प्राइमरी हाइपोथायरेडिज़म ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी ने टीएसएच यानी थायरॉय स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से सही निकल रहा है मतलब जिसकी जितनी कंसनट्रेशन आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही यूज़ हो रही है लेकिन आपके थायरोयड ग्लैंड ही आपकी बॉडी आपके थायरॉयड ग्लैंड ही थायरॉयड हारमोन्स रिलीज़ नहीं कर पा रहे मतलब टी थ्री और टी फोर आपकी बॉडी से रिलीज़ नहीं हो रहे हालांकि टी एस एच का लेवल नॉर्मल है लेकिन टी थ्री और टी फोर आपकी बॉडी रिलीज़ ही नहीं कर पा रही जिसकी वजह से हमें जो हाइपोथायरिज़म होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरेडिज़म और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिसे हमने कहा कि सेकेंडरी हाइपोथायरेडिज़म इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी ही थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन्स ही लेस प्रोड्यूस कर रही है तो ठीक है जब यही लेस हो जाएगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास थायरोयड ग्लैंड्स भी अपने जो से हार्मोन्स है टी थ्री टी फोर ये भी लेस रिलीज करेंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी को जो कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है वो हमारे पास क्या हो सकता है हमारे पास सेकेंडरी हाइपोथायरेडिज़म तो यही मैंने बातें लिखी हुई है कि हमारे पास या तो हमारे पास टी एस एच का रिस्पॉन्स एग्जैचूरेट हो गया है रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है लेकिन आपकी क्या है आपकी बॉडी टी थ्री और टी फोर को क्या कर रही है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको हाइपोथाडिज़म हो गया इसी तरह आपकी जो सिर्फ टी थ्री या टी फोर ही आपकी बॉडी में कम हो गए तो आपको ये क्या है ये कंडीशन फ़ेस करना पड़ सकती है अब इस कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी में किस तरह के साइन एंड सिम्टम आपकी बॉडी शो करेगी एक तो सबसे पहले कि आपकी बॉडी का जो सा वेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ठीक है दूसरा हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन्स का काम है कि उसने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो आपकी बॉडी क्या है अनएबल टू टोलरेट टम्परेचर टेम्परेचर को टोलरेट ही नहीं कर पाएगी ठीक है या वो कोल्ड टेम्परेचर को भी को नहीं कर पाएगी और कोल्ड टम्परेचर को भी ठीक है इसी तरह आपकी बॉडी में पॉसिबल है कि आपको गोइटर हो जाए ठीक है गोइटर यानी आपकी क्या है आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में क्या हो सकती है गोइटर हो जाए और इसी को हम हाशिम सिंड्रोम कहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने क्या है टी थ्री और टी हार फोर हारमोन्स को अच्छी तरह या इतनी प्रोडक्शन उनकी नहीं की जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो गया पेनफुल स्वेलिंग हुई और आपकी बॉडी में क्या इटर हो सकता है <coughs> इस वजह से आपकी बॉडी का हार्ट रेट स्लो हो गया डिप्रेशन हो सकती है कॉन्सटिपेशन हो सकती है और लास्ट में हमारे पास मेमोरी लॉस और ड्राई स्किन इस तरह हमने स्टडी किया था कि इनफर्टिलिटी हमने एक इसका काज देखा था तो यही लिखा हुआ है कि हमारी क्या है बेसिकली फीमेल्स में क्या है मैंसचुरल प्रॉब्लम्स हो सकती ठीक है अगर उस उनकी बॉडी क्या है हाइपोथरेडिज़म को फेस कर रही है अब हम लेबोरेटरी टेस्ट या डायग्नोसिस के लिए बेसिकली हम टेस्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं हम टी एस एच का लेवल देखते हैं आपके ब्लड में कि आपके ब्लड में टी एस एच का लेवल कैसा है ठीक है अगर आपके बॉडी में या आपके ब्लड में टी एस एच का लेवल सही है तो देन वी आर गोइंग टू हम देखेंगे कि आपकी बॉडी में टी थ्री और टी फोर का लेवल कितना है ठीक है या हम बेसिकली टी फोर को स्टडी करेंगे कि उसकी उसका लेवल आपकी बॉडी में हाई है या लो है ठीक है फिर हम डायग्नोज करेंगे कि आपको क्या है आपको हाइपर है या हाइपर है ठीक है दोनों कंडीशन हो सकती है ठीक है तो यही मैंने बात लिखी द बेस्ट लेबोरेटरी असेसमेंट ऑफ थायरॉयड फंक्शन इज अ सीरम टी एस एच लेवल दैन मैंने लिखा कि हमारे पास हम सीरम में देखेंगे हमारे पास फ्री थायरोक्सिन टी फोर की मेजरमेंट ठीक है तो इन दोनों के लेवल को हम देख के हमें पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को किस कंडीशन को फ़ेस करना पड़ सकता है ठीक है उसके बाद हम स्टडी करते हैं लास्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है कि हमारे पास ट्रीटमेंट है क्योंकि कोई पेशेंट है जो हमारे पास का हाइपोथराडिज़म का है तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं एज अ एज अ फिजिशन तो <coughs> फिजिशनस के लिए या फार्मासिस्ट के लिए क्या रेकमेंट है कि हम जो सी ये हम स्टार्टिंग जो अपनी ट्रीटमेंट करेंगे वो हमारे पास थायरोक्सिन की ट्रीटमेंट देंगे ठीक है तो ये हेल्दी एडल्ट होगा तो इसकी हमारे पास डोज वन पॉइंट सिक्स पर के पर डे ठीक है इतनी डोज हम देंगे इसी तरह उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने ये जो सी डोज़ है ये आपने मॉर्निंग में लेनी है और इसके तीस मिनट के बाद आपने क्या है खाना वगैरह खाना है या अपनी डाइट वगैरह लेनी है इसी तरह हम क्या करेंगे कैल्शियम्स और आयरन सप्लीमेंट्स को क्या करेंगे इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे विद इन फोर आवर्स ठीक है कि आपने अगर मेडिसिन लिया ली लिया है, लीबोथेरॉक्सिन है, ली लिया ली है तो आपने ना तो क्या करनी है इसके तीस मिनट के बाद आपने क्या खान खाना खाना है बिफोर ईटिंग ठीक है मतलब इसके तीस मिनट के बाद ही आपने खाना खाना है इसी तरह आपने क्या करना है कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स को भी क्या है विदिन फोर हॉर्स आपने यूज़ नहीं करना ठीक है इसी तरह हम कम्बिनेशन थेरेपी भी दे सकते हैं ये तो हमने ऊपर वाली जो उसी सी ड्रग्स थी वो लीवोथैरॉक्सिन दी थी मतलब टी फोर दी थी इसी तरह हम टी थ्री या टी फोर थेरेपी भी पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं जिसको हमें कैसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं हाइपोथैरेडिज़म के सिम्टम शो हो रहे हैं अगर इससे पेशेंट क्या है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा तो इसके साथ साथ हम पेशेंट की डाइट में क्या है आयोडीन को भी क्या ऐड कर देंगे जिसकी वजह से आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या है एक नॉर्मल हद तक आएगी ठीक है जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये थ्री टी फोर टी थ्री का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा थ्री बेसिकली दिस इज़ माई असाइनमेंट एंड दीज आर द रेफरस विच वाई कोट ठीक है कि जिनसे मैंने स्टडी किए है थोड़ी सी छोटी सी असाइनमेंट थी शायद अगर मैं क्लास में होता तो ज़्यादा बेहतर बता सकता था लेकिन चले जैसे हमें टाइम मिला हमने उसको यूटिलाइज़ किया ठीक है ओके फिर अल्लाह हाफिज